नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली व हरियाणा के विभिन्न जिलों में आयोजित हुई मास्टर्स प्रतियोगिताओं में भिवानी के 64 वर्षीय धर्मपाल ने विभिन्न खेलों में करीब आधा दर्जन मेडल जीतने वाले धर्मपाल का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं के साथ मास्टर धर्मपाल का स्वागत किया। गौरतलब है कि भिवानी के 64 वर्षीय मास्टर धर्मपाल ने दिल्ली में हुई खेलों में मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, 5000 मीटर दौड़ में ब्रांज मेडल व इसी श्रृंखला में करनाल में आयोजित हुई दौड़ प्रतियोगिता में धर्मपाल ने 2 मेडल जीते और हाल ही में हरियाणा के जिले हिसार में आयोजित हुई मास्टर्स में भिवानी के 64 वर्षीय धर्मपाल ने 3 मेडल प्राप्त कर भिवानी जिले का नाम रोशन किया है। भिवानी पहुंचने पर धर्मपाल का खेल प्रेमियों व समाज सेवियों ने फूल मालाओं के साथ साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए मास्टर धर्मपाल ने बताया कि अब वे अब तक अनेक खेलों में एक दर्जन के करीब मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली, करनाल व हिसार में आयोजित हुई मास्टर्स खेलों में उन्होंने 6 से अधिक मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब वे 9 से 14 फरवरी तक इम्फाल, मणिपुर में आयोजित होने वाले खेलों के लिए अपने अभ्यास करेंगे और यहाँ पर भी वह अपने अभ्यास के बल पर भिवानी को गोल्ड देने का काम करेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। मेडल तो जी करनाल से जीते थे, एक 800 मीटर रेस में और 5000 मीटर रेस के अंदर। फिर वादा खेलो मास्टर्स दिल्ली के अंदर 23 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल जीता 5000 मीटर 800 मीटर रेस में और फोर्थ पोजीशन रही मेरी 5000 मीटर वॉक में और फोर्थ पोजीशन रही मेरी 800 मीटर वॉक में। और 3 मेडल जीते मैंने जो हरियाणा मास्टर्स जो खिलाते हैं इधर हिसार में हुआ था 28 और 29 दिसंबर को। 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले मुझे, उसके अंदर 5000 मीटर वॉक और 400 मीटर रेस और सिल्वर मेडल मिला मुझे 5000 मीटर रेस के अंदर। क्या उद्देश्य आपके इस खेल का? कि हम सब यंग रहें, हम बीमार न रहें, सबको एक संदेश यही जाता है कि हम सब स्पोर्ट्स से जुड़े रहें ताकि हम कम से कम बीमार रहें। जी हाँ जी हाँ, हम सभी हमेशा ही स्वस्थ रहें, शिक्षा के साथ साथ हम स्पोर्ट्स के ऊपर भी सभी हमारे माध्यम से इसकी तरफ ध्यान दें, मेरा यही उद्देश्य है। आगे भी नेशनल है जी हमारा 9 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी 2020 तक, तो उसके अंदर यह है जी इम्फाल के अंदर मणिपुर में। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आप लोगों को आशीर्वाद भी चाहिए और कोशिश, सभी 3-4 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं।